हाय फ्रेंड्स, तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये है 3 बजे का टाइम। दोपहर में 3 बजे तब इतना तेज़ तूफान आया था, इतनी तेज़ तूफान की मत पूछिए। सब्जी की पेन की जो डाल टूटती गिरे थे, तो ऐसी हवा टूटती ही जा रही थी। इतनी तेज़ तूफान की तो आप समझ सकते थे इतनी तेज़ होगी तूफान। और देखिए, मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ कि पूरा मतलब पूरा का पूरा उथल पुथल होकर वो रखा था। बालकनी में पूरे मिट्टी भर चुकी थी। और देखिए कैसे तूफान है, मतलब इतना तेज तूफान था। वीडियो मैंने लास्ट तक जरूर देखिएगा, उसमें आपको दिखाया हुआ कैसे मतलब डाल उड़ के जा रहा है। तो चलिए, आप देखते रहिए। एवरीवन, वेलकम टू बैक माई चैनल लूप रानी ऑसम व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो कैसे हो दोस्तों, आई होप आप सब अच्छे हो फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आप लोगों ने देख लिया ना कितना तेज़ तूफान आया हुआ है और मौसम भी बहुत अच्छा ठंडा हो रखा है। तो मैंने सोचा क्यों नहीं चाय पकौड़ी बनाया जाए, इस मौसम का इंजॉय किया जाए। तो चलिए मैं दिखाती हूँ मैं चाय पकौड़ी कैसे बना रही हूँ। और मतलब चन्नी दाल का मैं पकौड़ी बना रही, जो कि बहुत ही ज़्यादा यम्मी बनता है और साथ में ना कुरकुरे कुरकुरे जैसी लगती है। तो मैं वही पर चने दाल के जा रही हूँ पकौड़े बनाने। तो चलिए आपको दिखाती हूँ मैं क्या क्या उसमें डालती हूँ पकौड़े बनाने के टाइम में। फ्रेंड्स, मैंने इसमें प्याज और मिर्चा और साथ में थोड़ा लहसुन के मतलब काट के डाला हुआ है। और ये है थोड़ा सा हल्का सा गरम मसाला मैंने डाला ताकि थोड़ा चटपटा लगे पकौड़े। और ये है चना दाल को मैंने पीस के और इसको मिक्स मैंने कर दिया। अब मैं जाऊँगी इसको मिक्स करके। और मेरा इधर तक मैंने चाय चढ़ा रही हूँ चाय चढ़ाने के लिए। और इधर मैंने तेल डाल दिया है पकौड़े बनाने के। चलिए, तो फिर वीडियो को आप इंजॉय करते रहिए। देखो हेलीकॉप्टर उड़ रहा है, वो लग रहा है गार्डन में। मैं यहाँ पे बना रही हूँ पकौड़े तल रही थी। और गाइस, मैं आपको बता दूँ, ये फ़ोटो क्लियर क्यों नहीं आई है, मतलब वीडियो, क्योंकि यहाँ पे ना लाइट कट चुकी थी। जब तूफ़ान आया था तभी लाइट कट चुका था। अब तो मैंने कट करके सब रख दिया, तो मजबूरी हमने छानना तो था ही था। तो फिर मैंने क्या किया था, मोबाइल का टच ऑन करके पकौड़े भी तल रही थी और साथ में वीडियो भी बना रही थी। तो आप समझ सकते हैं वीडियो कैसे बना रही थी। एक हाथ से बना रही थी और एक हाथ से मोबाइल मैंने पकड़ रखा था, इसके वजह से मतलब कैमरा हिल रहा है। तो फाइनली अब देखिएगा पकौड़ी बहुत ज़्यादा यम्मी और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना हुआ था गाइस। तो ये देखिए फाइनली हमारा पकौड़ी बनके रेडी है और बहुत ही ज़्यादा क्रंची और साथ में बहुत ज़्यादा यम्मी बना था। आपको मैं बता नहीं सकती हूँ, खाने में इतना हमें मज़ा आ गया था ना कि मत पूछिए आप गाइस। और यहाँ पे मैं आपको दिखाने की कोशिश, फ्रेंड्स आप भी आ जाइए चाय और पकौड़े साथ में खाने के लिए, मज़ा आ जाएगा खाने में। दोस्तों, गुड इवनिंग। बाबू क्या करना है, वीडियो को लाइक शेयर साथ में कमेंट करके जरूर बताइए आप लोगों को ब्लॉग कैसा लगा। और चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब। हाँ, चलिए तो बाय। चलिए गाइस, मिलते हैं। हाँ, जा रही हूँ अब मैं, डिनर का टाइम हो गया, डिनर बनाने जा रही हूँ। अब बच्चे अब जा रहे हैं पढ़ाई करने के लिए। फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे बना रही हूँ भिंडी और आलू की सब्जी। तो अगर आप किस रेसिपी देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये बहुत ही ज़्यादा यम्मी बना हुआ है, आप देख सकते हैं इसे सब्जी के कलर से। और ये कहीं से भी नहीं चिपका है। और ये देखिए फ्रेंड्स, ये है मैंगो, जो कि मेरा बहुत ही ज़्यादा फेवरेट मतलब फ्रूट्स है। मैं मैंगो बहुत ज़्यादा खाती हूँ। अगर मैंगो कोई सामने ला कर रख दे तो मैं बिना खाए हुए मुझसे रहा भी नहीं जाता है। तो वही आपको मैं दिखाने की कोशिश करी। तो आप लोग बताइए किसके किसके मुँह में पानी आया मैंगो को देख के। और ये है मेरा नाइट का खाना, जो हम कुछ बिल्कुल सिंपल तरीके से खाना खाते हैं, भिंडी की भुजिया साथ में रोटी और मैंगो और कुछ नहीं।